अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ क्विनिन। क्विनिन क्या है? ये मेडिकेशन है जो मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, यानी एंटी मलेरियल ड्रग है। तो क्विनिन की डिस्कवरी किस तरह हुई थी, याद रखे 2000 ईयर्स एगो, यानी 2000 साल पहले मलेरिया डिजीज को डिजीज ऑफ चिल्स एंड फीवर कहा जाता था, क्योंकि उस वक्त जो साइंटिस्ट थे उसने ये ऑब्जर्व किया था कि जब किसी को मलेरिया हो जाता है फिर वो ठंड को फील करती है, ठंड को महसूस करती है और उसको फीवर यानी बुखार भी हो जाता है। यहाँ पर ये भी नोट कर लें, ह्यूमन हिस्ट्री में किसी दूसरे डिजीज से इतने डेथ नहीं हुए हैं जितने मलेरिया से हुए हैं। तो क्विनिन की डिस्कवरी किस तरह हुई थी, इन 17th सेंचुरी मलेरिया वॉज अ मेजर डिजीज इन यूरोप। 17th सेंचुरी में मलेरिया को यूरोप में एक मेजर डिजीज कंसीडर किया जाता था। फिर क्या हुआ, अमेरिका में कुछ मेडिसिनल प्लांट जो है वो डिस्कवर हुए और अमेरिका ने उस मेडिसिनल प्लांट को यूरोप में सेंड किए, यूरोप में भेज दिए, जिसमें से किनाक्विना ट्री भी था। किनाक्विना ट्री का जो बार्क था ये सूटेबल ट्रीटमेंट था फीवर के लिए, बुखार के लिए, जिसकी वजह से यूरोप में किनाक्विना ट्री का जो डिमांड था वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा था। फिर क्या हुआ, कुछ डिसऑनेस्ट एक्सपोर्टर थे, उसने जानबूझकर किनाक्विना ट्री के बजाय सिंकोना ट्री यूरोप में बेच दिया, लेकिन वो डिसऑनेस्टी यूरोप के लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हुई। किस तरह, सिंकोना ट्री का जो बार्क था ये एक्सेलेंट ट्रीटमेंट था मलेरिया के लिए, यानी यूरोप के जो लोग थे वो क्या करते थे, वो सिंकोना ट्री के बार्क को ड्राई किया करते थे, फिर उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया करते थे, फिर उसको लिक्विड में मिक्स किया करते थे, फिर उसको पी लिया करते थे, जिससे मलेरिया का इलाज जो था वो हो जाता था। फिर वहां पर जो लोग थे उसने ये सोचा कि सिंकोना ट्री के बार्क में ऐसा क्या है जिससे मलेरिया का इलाज हो जाता है। तो सिंकोना ट्री के बार्क में एक केमिकल मौजूद था जिसको उसने नाम दिया क्विनिना, और इसका जो फॉर्मूला है वो है C20H24N2O2। तो इस तरह क्विनिन की डिस्कवरी हुई थी, यानी हम ये कह सकते हैं कि क्विनिन की जो डिस्कवरी हुई थी वो एक्सीडेंटली हुई थी। यहां पर ये बीएमसीक्यूज के लिए नोट कर लें, एनाफोरिस मस्कीटो जो है, स्पेशली फीमेल एनाफोरिस मस्कीटो, ये मलेरियल प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम अफेक्टेड पर्सन टू हेल्थी वन, और एडिस मस्कीटो जो है ये डेंगू वायरस को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम अफेक्टेड पर्सन टू हेल्थी वन। तो ये एमसीक्यूज के लिए नोट कर लें। ये थी डिस्कवरी ऑफ क्विनिन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।